हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम ले चलते हैं एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म सूरतगढ़। ये देखिए, यहाँ पे सारे संध है और यहाँ पे देखो इनकी कंबाइनें भी खुद की बनाई हुई है। यहाँ पे खुद की कंबाइनें हैं, जैसी भी ट्रैक्टर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये, जो 30,000 एकड़ सिंचित भूमि के अंदर, इरिगेशन जो फील्ड है उसके अंदर फैला हुआ है ये। और इसकी खास बात ये है कि ये जो है रूस और ये इधर इनका गोदाम है। देखो ये देखो, बड़े बड़े गोदामों से भरा हुआ है। और इसकी खास बात ये है कि ये रूस और इंडिया की, भारत की मित्रता का प्रतीक भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसको चलाने में रूस जो है वो भी अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके अंदर। ये देखिए कल्टीवेटर्स भी है, सारा प्लाऊ, खुद का डीजल पंप भी है इसके अंदर। यहाँ पे भूमि के अंदर इसमें चना चावल सब कुछ लगाया जाता है। ये इधर यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे अनाज वगैरह रखने के लिए है। ये देखिए मशीनों से भरा पड़ा है। अभी आपको ले चलते हैं सीड ड्रिल, बिजाई की मशीन भी यहीं पे पड़ी होंगी। इधर रिपर पड़ा है, ये बिजाई की मशीनें हैं इस तरह की। ये सीड फर्टिलाइज़र, सीड ड्रिलिंग और फर्टी सीड, यानी दोनों, फर्टिलाइज़र भी दिया जा सकता है इसके साथ और अपने बुआई भी की जा, सोविंग भी की जा सकती है, ठीक है। ये उधर रिपर पड़ा है, ये इधर फिर कंबाइन आ गई है, कंबाइनों से ये भरा पड़ा है। सूरतगढ़ कृषि फार्म आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे इनका डीजल और पेट्रोल का टैंक भी है यहीं पर, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ज़मीन के अंदर तोई लगाने के लिए ये तवी है, डिस्क प्लाउ बोलते हैं जिसको, ठीक है। यहाँ से डीजल भरवा भरवा के खेतों के अंदर इधर फार्म में जा रहे हैं, जो यहाँ पे ज़मीन की कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए डीजल भरवा के यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, और फार्म के अंदर ये कल्टीवेशन होगा। ये यहाँ पे ये गोदाम बना हुआ है कृषि फार्म के अंदर ही, ठीक है, जो धान की बोरियों से भरा पड़ा है, ठीक है। अलग अलग गोदाम बनाए हैं 5-6, सारे ये धान चना जितनी भी यहाँ पे उपज होती है उनसे भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, देखिए।
राज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आवाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है।